गोरखपुर में खाकी की फजीहत होने के बाद भी यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। खाकी का अब एक नया कारनामा बुलंदशहर में सामने आया है, जहां कोतवाली सिटी में तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा बिना आला अफसरों की अनुमति के आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों को गैर जनपद अलीगढ़ में ताला व्यवसाय की फैक्ट्री में दबिश देने पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने ताला व्यवसायी अभिषेक तिवारी का अपहरण किया और मारपीट के बाद व्यापारी के मुंह में तमंचा घुसा दिया। इससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने अलीगढ़ पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बुलंदशहर के एडिशनल इंस्पेक्टर राजीव कुमार शर्मा ने खुद को बुलंदशहर सिटी कोतवाली का प्रभारी बताते हुए अपना परिचय पत्र अलीगढ़ पुलिस को दिखाया। इसके बाद बुलंदशहर पुलिस व्यापारी को स्कॉर्पियो में डालकर ले गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बुलंदशहर की पुलिस व्यापारी को अलीगढ़ से हरदुआगंज अलीगढ़ पुलिस स्टेशन छोड़कर चली गई। इस मामले में पीड़ित ने आईजी मेरठ से शिकायत की। आईजी ने बुलंदशहर एसएसपी को मामले की जांच सौंपी है। प्रारंभिक जांच में इंस्पेक्टर अजय कुमार की भूमिका संदिग्ध मिली, इसलिए एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी के मुताबिक 16 सितंबर को राजीव कुमार नाम के शख्स ने अलीगढ़ के अभिषेक तिवारी के खिलाफ बुलंदशहर सिटी कोतवाली में 6,60,000 रुपये के चेक बाउंस का एक मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में आला अधिकारियों की अनुमति के बगैर इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ चले गए, क्योंकि मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। फिर भी इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के लिए गए, इसलिए इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। थाना कोतवाली नगर पर तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार को कल निलंबित किया गया है। इनके संबंध में ये अवगत कराना है कि इंस्पेक्टर अजय कुमार थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1398/21 जो 16/9/21 को पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग के विवेचक थे और इसमें जो अभियुक्त थे वो अभिषेक तिवारी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध लगभग 6,60,000 रुपये का चेक बाउंस होने का एक मुकदमा बुलंदशहर कोतवाली नगर के एक वादी राजीव कुमार शर्मा के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में बिना वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश अनुदेश प्राप्त किए, बिना अनुमति ये अपने थाने से रवानगी करके गए थे। चूँकि ये प्रकरण इस तरह का था जिसमें 7 साल से कम की सजा है, गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है और इस प्रकरण में उन्हें 41 की नोटिस दे करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय उच्च न्यायालय के भी इस तरह के आदेश हैं, लेकिन बिना वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाए जनपद को छोड़ना और ऐसे प्रकरण में जिसमें जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तथा जिसमें गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है, अकारण जा करके कथित अभियुक्त को हिरासत में लेना, टॉर्चर करना, इस तरह के आरोप इनके विरुद्ध लगाए गए थे। प्राथमिक जांच कराने पर ये आरोप सही पाए गए, फलतः इंस्पेक्टर अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।